जय हिंद दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक बेटी और एक बहन के ऊपर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान करते ये नेता। बहन सुरक्षा बेटी सुरक्षा का कोई नियम नहीं निकाले अभी तक ये नेता, क्यों ऐसा? मैं बताना चाहता हूँ, 14 सितंबर को जो बलात्कार हुआ था, गैंगरेप हुआ था, पुलिस ने उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले तो एक हफ्ते बाद ये लोग एक्शन लिए, केस दर्ज किए। हाँ, प्लस डॉक्टर उधर उस मैडम को कोर्ट की बात बताता है कि ये गैंगरेप नहीं हुआ है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। क्यों? पता तो डॉक्टर भी खरीदे जाते हैं। और तीसरी पॉइंट ये है कि पुलिस वाले ने डेड बॉडी को फैमिली को नहीं दिया, उसे रातों रात छुपे से जला दिया, ये क्यों? हाँ, ये है योगी सरकार, मैं जानना चाहता हूँ। इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी नहीं ऐसी सजा दो जो तड़प तड़प की उम्र है और कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। और इंसाफ चाहिए, इंसाफ। यूपी पुलिस के ऊपर मेरे को बहुत मतलब वो हो रहा है कि ऐसी निकलेंगे यूपी पुलिस और डॉक्टर, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी देश की बेटी और बहन ऐसी सुरक्षा नहीं रहेगी। पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए है वो हमारी सुरक्षा नहीं कर, यूपी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गुनहगारों को बचा रहे हैं, गुनहगारों को ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि उनका साथ नहीं देना चाहिए यूपी पुलिस को। और मैं कहना चाहूँगा कि योगी सरकार से कि इंसाफ चाहिए। अभी तो बल्कि सीबीआई को जांच के लिए दिया गया ये केस और जल्द से जल्द इसका सब पर्दाफाश होगा और इन्हें फांसी नहीं ऐसा कोई सजा दे जिसे तड़प तड़प के मरे। ये कोई देखे तो दोबारा ये काम ना करे। और हमारी बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस या भारत सरकार कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। जय हिंद, जय भारत।